Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will study about airway resistance, diffusion of gases, blood flow to the lung, ventilation, perfusion resistances, oxygen and carbon dioxide transport in the blood, hemoglobin and oxygen transport, oxyhemoglobin dissociation curve. First of all, there is airway resistance. So what is airway resistance? Air flow depends on pressure difference between the two end of the airway. जितना ज़्यादा दो पॉइंट के दरमियान प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एयर फ्लो करेगी हायर प्रेशर से टूअर्ड द लो प्रेशर की तरफ. सो रेजिस्टेंस ऑफ द एयर वेज पे भी डिपेंड करती है हमारी एयर रेजिस्टेंस एयर फ्लो, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना एयर फ्लो कम होगा. एयर फ्लो का जो फॉर्मूला है P1-P2 यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही वो तेज़ी से मूव करेगी टूअर्ड द लो P1-P2. एंड रेजिस्टेंस मतलब जितना ये इंटरएक्टिव प्रोपोर्शन है जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही कम एयर फ्लो करेगी हमारे पास. एयरवे रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द डायमीटर. एयरवे रेजिस्टेंस जो है वो डायमीटर पर डिपेंड करता है. कि जैसे पीछे जो है ये वाली डायग्राम है इसके डायमीटर पर डिपेंड करता है एयर फ्लो का रेजिस्टेंस. जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ही ज़्यादा यानी जितना ज़्यादा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी और डायमीटर होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि हवा के लिए ज़्यादा फ्लो करने के लिए उसके पास रास्ता होगा. सो एयर फ्लो रेजिस्टेंस अगर हमारे पास डायमीटर कम होती तो उससे दो डिजीज़ होते हैं. एक होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ और एक होता है एस्थमा एंड एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा. सो ये क्या होते हैं? एस्थमा में क्या होता है, बेसिकली एस्थमा में नैरोइंग ऑफ द एयरवेज हो जाते हैं. जैसा कि ये हमारे पास एस्थमा सबसे पहले इसमें बिल्कुल ओपन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसका नैरोइंग होना शुरू होता है, उसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन होना शुरू होती है. टाइट एंड स्मूथ मसल्स जो है वो ये टाइट होना शुरू होते हैं. जैसे आप इसमें देख रहे हैं फ़र्क, फर्स्ट वाले में देखने खुले हैं, अगले वाले में और टाइट हो गए, अगले में और टाइट हो गए. एयर ट्रैप्ड इन एल्वियोली सो ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाती है. एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा. एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा जो होता है इसको हम ब्रोंकोस्पाज़म भी कहते हैं. नैरोइंग ऑफ द एयरवेज इसमें हो जाते हैं. नैरोइंग ऑफ एयरवेज इंक्रीज इन द वर्क ऑफ ब्रीथिंग. जब हमारे पास एक रास्ता एक पाइप है उसके अंदर स्पेस कम हो गई, कोई चीज़ फंस गई है, वो हमारे पास नैरो हो गया वो पाइप ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. सो अब हमें ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेगी हवा को बीच में से गुजारने के लिए. तो यहाँ पर हमारे पास अब छोटे नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें ज़्यादा एयर तो हमारी इतनी हमें कैपेसिटी रिक्वायर होती है. सो हमारे एयरवेज जो है वो तो डिक्रीज़ हो गया. अब इसमें उतने ज़्यादा हवा उस स्पीड से और उस कैपेसिटी से नहीं फ्लो कर सकती. सो हमारे क्या करेंगे कि हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो नैरोइंग ऑफ द एयरवेज हो जाएगा और वर्क ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो जाएगा. शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो जाएगी डिस्पेंसिया. जब ऑक्सीजन हमारे अंदर कम जाएगी तो उसमें से क्या देगा हमें डिस्पनिया कहते हैं शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग का. मैनी पोटेंशियल कॉजेज वन ऑफ विच इज़ एक्सरसाइज की वजह से ये सारा होता है ब्रोंकोस्पाज़म. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एस्थमा रिजल्ट इन ब्रोंकोस्पाज़म इसे कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा. उसमें ड्यूरिंग और इमीडिएटली फॉलोइंग एक्सरसाइज में इम्पेयर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस. ये एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है, एक्सरसाइज के बाद हो सकता है, या में इम्पेयर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस हमारी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को भी ख़राब कर सकता है. इसके अलावा हमारे पास एक्सरसाइज एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज आती हैं. उसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी कहते हैं COPD. इंक्रीज इन द एयरवे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है. जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ड्यू टू द कॉन्स्टेंट एयरवे नैरोइंग की वजह से, तो डिक्रीज इन द एक्सपायरेटरी एयर फ्लो. जो एयर हमारे अंदर जो गया वो बाहर आहिस्ता आहिस्ता से रहेगा, इस वजह से एक्सपायरेटरी एयर को एयर का बाहर निकलना डिक्रीज हो जाएगा. जैसे ये सामने नॉर्मल हमारे पास है और जब ये नैरो हो जाएगा तो ये पहले थ्री एरो देखो आप नज़र आ रहे हैं आपको, थ्री एरोज़ हैं, इनके ज़्यादा है रेट
फ्लो करने का बाद में कम हो गया। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है इंक्लूड टू लंग डिजीज़, इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अटैक सेप्सिस म्यूकस ब्लॉक एयरवे, यानी कि ये देखें आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, यहाँ पे ब्रोंक इसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन हो जाती है जो कि क्या कर देता है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है जिसकी वजह से ये नैरो हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एम्फिसीमा एयरवे कोलैप्स एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस। एम्फिसीमा में क्या होता है, एयरवे जो होते हैं हमारे पास हेल्दी हेयर्स होते हैं और उनकी मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाती है जिसकी वजह से कोलैप्स कर देता है पूरा स्ट्रक्चर। जैसे गुब्बारा होता है, अगर हम उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर सुई को लगाएं या फिर हम उसकी मेम्ब्रेन को ही फाड़ दें तो कोलैप्स हो जाता है। मैं इंटरफेयर विद एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़ और डेली लिविंग, ये हमारी एक्सरसाइज को भी कर सकता है और अच्छा इंक्रीज इन द वर्क ऑफ ब्रीथिंग को ज़्यादा कर देता है, लेट द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को कम कर देता है। मैं इंटरफेयर विद एक्सरसाइज की वजह से ये हमें ज़्यादा भी हो सकता है एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द डेली लिविंग की वजह से भी ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों को जब वो खाना पका रहे हैं धुएँ की वजह से एलर्जी होती है, पोलन गैस की वजह से एलर्जी होती है या किसी चीज़ की वजह से भी जो उनके लंग्स में जाकर पर्स के म्यूकस प्रोडक्शन करके नैरोइंग कर देती है जिसकी वजह से हमारे जो होता है ब्रोंकियल्स वो नैरो हो जाते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसे कहते हैं द अमाउंट ऑफ द एयर मूव्ड इन और आउट ऑफ द लंग पर मिनट, एक मिनट में जितना एयर हमारे पास अंदर मूव किया है और बाहर मूव किया है उसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ द गैस वेंटिलेटेड पर मिनट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रीथिंग, जितनी हम ये गिनेंगे कि हमारी जो एक हमने सांस जो एक मिनट है, अगर हम एक मिनट को रखें एक मिनट में हमने कितनी बार सांस लिया है गिनते जाएँ, 5 बार लिया 10 बार लिया, उस 10 बार को अब हम ये कहेंगे कि हम एक मरतबा में कितना एयर अंदर लेके गए हैं, उस एयर की कैपेसिटी को मेजर कर लेंगे। फिर हम एक मिनट में कितनी मरतबा ब्रीथ किया, फर्स्ट करें 5 बार किया और एक ब्रीथ में हमने 52 मिलीलीटर अगर हमने एयर की कैपेसिटी अंदर लेके गए हैं तो हम क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 52 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पल्मोनरी वेंटिलेशन का। पल्मोनरी वेंटिलेशन बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथिंग, कितनी मरतबा अपने मिनट एक मिनट में हमने या फिर कितनी जब टाइम जिस टाइम में हम ब्रीथ मिनट को मेजर कर रहे हैं कितनी मरतबा हमने ब्रीथ किया और कितना एक पर ब्रीथ हम कितना एयर अंदर लेके जा रहे हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें पल्मोनरी वेंटिलेशन को निकालने के लिए VT मल्टीप्लाई बाय F, यानी कि VT टाइडल वॉल्यूम जितना अंदर लेके जा रहे हैं मल्टीप्लाई बाय F कितनी मरतबा हमने ब्रीथ किया उस मिनट में, तो हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन आ जाएगा। टाइडल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर मूव पर ब्रीथ एंड ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ द ब्रीथ्स पर मिनट। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पल्मोनरी वेंटिलेशन। नॉट ऑल द एयर दैट पासिस द लिप्स रीचेस द एल्वियोलर गैस कंपार्टमेंट वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स, पार्ट ऑफ ईच ब्रीथ रिमेन इन कंडक्टिंग एयरवेज ट्रैकिया ब्रोंकाइटिसी and thus does not participate in gas exchange. This unused ventilation is called dead space ventilation. कुछ जो एयर है हमारे अंदर ही रहती है ब्रोंकियल्स के अंदर ट्रैकिया के अंदर जिसका काम होता है कि वो एयरवेज की कंडक्टिंग को बरकरार रखती है, यानी कि उनको अगर सारी ख़त्म हो जाएगी जिसके से खुश्क हो जाते हैं तो ये क्या करेगी एयर फ्लो को बरकरार रखने के लिए कुछ जो एयर होती है वो हमारे अंदर ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर ही रहती है जिसे हम डेड स्पेस वेंटिलेशन कहते हैं, यानी दिस अनयूज्ड वेंटिलेशन इज कॉल्ड डेड स्पेस वेंटिलेशन। दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइज इज नाउन एज एनाटॉमिकल डेड स्पेस, जो स्पेस वहाँ पे जिसमें यहाँ पे एयर होती है उसे हम एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं। अगर हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन द वॉल्यूम ऑफ द इंस्पायर्ड गैस दैट रीचेस द रेस्पिरेटरी जोन इज रेफर्ड टू एज एल्वियोलर वेंटिलेशन, टोटल मिनट वेंटिलेशन कैन बी सब डिवाइडेड इन टू, मतलब ये जितना हम वॉल्यूम अंदर लेके जा रहे हैं कितनी वो एल्वियोलर एल्वियोल्स तक पहुँचे हैं जहाँ पर जाके हमारी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होनी है गैसेस की, सो वहाँ तक जितनी पहुँची होगी हमारे पास उसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन।
Total minute ventilation can be subdivided into dead space ventilation and alveolar ventilation. जो हमारे पास ये इंस्पायरेटरी वाइफाइनरी वेंटिलेशन होती है, इस पर हम कैन बी सब डिवाइड इन टू डेड स्पेस वेंटिलेशन, जितनी हमारे पास अंदर पहले से डेड स्पेस की एयर है उसको, प्लस साथ में हम उसको भी मैं करेंगे एल्वियोलर वेंटिलेशन, जितना हमने अब एयर मूव के अंदर उन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास एल्वियोलर वेंटिलेशन आ जाएगी। फिर कुछ एल्वियोलर्स के अंदर भी हमारे पास है ऑक्सीजन, तो कुछ हम बाहर से लेके आ रहे हैं, तो उन दोनों को प्लस करके हम ये बता सकते हैं इस वक्त कितनी हमारे अंदर ऑक्सीजन या लंग कैपेसिटी है। सो टाइडल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन ब्रीथ ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग, आराम से जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, 500 मिलीलीटर है ये हमारे पास। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम डेट कैन बी इनहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट, जो हम जोर से अंदर एक्सहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं सांस, तो हम कितना लेके जा सकते हैं, 3000 मिलीलीटर रिजर्व वॉल्यूम वही होता है ना, कि अगर हम रिजर्व का मतलब होता है एक्स्ट्रा आप कोई चीज़ कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे पास पानी ज़्यादा है हम रिजर्व करने के लिए डैम बनाएंगे, इसी तरह हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो 3000 मिलीलीटर है और टाइडल वॉल्यूम पर ब्रीथ 500 मिलीलीटर। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सिमिलरली अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सहेल्ड विद मैक्सिमम एफर्ट इज 1200 मिलीलीटर एंड रेसिडुअल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन नेवर बी वॉलेंटरीली एक्सहेल्ड, दिस इज 1300 मिलीलीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 था और टाइडल वॉल्यूम 400, टाइडल वॉल्यूम जो था वो हमारे पास 500 था और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास 1200 है और रेसिडुअल वॉल्यूम यानी जो हमारे अंदर एयर रहेगा आफ्टर कि हमने ज़ोर से बाहर एक्सहेल किया है तो वो 1300 मिलीलीटर रहेगा और वो वॉलेंटरीली बाहर कभी नहीं निकलता, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें ज़ोर से बाहर निकालने के नहीं निकलेगा जब तक के अंदर से खुद सिस्टम उसको निकालना ना चाहिए। सो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आता है वाइटल कैपेसिटी अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड फॉलोइंग अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन। वाइटल कैपेसिटी उसको कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं कि खास जो कैपेसिटी है यानी अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड, जो हम बाहर निकाल सकें, अब हमारे हमने ज़ोर से अंदर सांस लिया हमने ज़ोर से बाहर निकाल सकते उसको हम कहेंगे वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी जितना अंदर रह गया उसको, टाइडल वॉल्यूम जितनी उसकी कैपेसिटी है प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है इन सबको प्लस करके आएगा, तो हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना बढ़ा था 1200, टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000, इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 4700 मिलीलीटर आंसर आएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, जो हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी ये नहीं कि हमने एक्सपायरेशन फोर्सफुली की है या फिर पहले हमने कुछ किया नहीं, बल्कि हम नॉर्मल ब्रीथिंग करें इसके बाद अचानक एक फोर्सफुल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हम अंदर लेके जा सकते हैं उससे गिन रहे हैं, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी, टाइडल वॉल्यूम जितना अंदर रख सकते हैं और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो अंदर पहले से ही मौजूद होता है, हम दोनों को प्लस करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम 500 एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000, दोनों को प्लस करेंगे 3500 मिलीलीटर हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। हमारे पास है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो हमारे पास फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग फॉलोइंग अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्स्ड रेसिडुअल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यानी जितनी रहती है हमेशा के लिए वो होती है रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो रिजर्व वॉल्यूम था वो हमारे पास कितना था 2000 और हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम जो था वो 500 था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था वो हमारे पास
2000 था तो दोनों को प्लस करेंगे 2500 मिलीलीटर टोटल लंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग एट द एंड ऑफ द मैक्सिमम इंस्पायरेशन। हमने ज़ोर से एक्सपायरेशन अंदर ली है तो वो हमारे पास रिजर्व वॉल्यूम जितना हमारे पास अंदर रहना चाहिए प्लस वाइटल कैपेसिटी। तो रिजर्व वॉल्यूम जो था वो हमारे पास जो आर भी था वो हमारे पास कितना था, ये है आर 1300 मिलीलीटर। उसके अलावा हमारे पास आर वी और वी सी, वी सी कहता है वाइटल कैपेसिटी को, ये हमारे पास 4700। जब हम 4700 को और 1300 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास 6000 मिलीलीटर। स्पाइनल मेजरमेंट कहते हैं मेजरमेंट ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम एंड रेट ऑफ एक्सपायर्ड एयर फ्लो। हमने अब अपने अंदर देखना है लंग के अंदर कितनी कैपेसिटी है चीज़ों को ले जाने की और एक्सपायर्ड एयर फ्लो जितना कर रहा है वो। यूजुअल फॉर डायग्नोजिंग ऑफ लंग डिजीज, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या पल्मोनरी डिजीज, बायोमेट्रिक टेस्ट से हम देख सकते हैं कि हमारी लंग में कौन सी डिजीज मौजूद हैं। वाइटल कैपेसिटी स्पायरोमेट्री कैसे कहती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। वाइटल कैपेसिटी ये हम पढ़ चुके हैं पहले जो 3000 थी। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो था, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सपायर्ड इन 1 सेकेंड ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपायरेशन, जो हम ये एक नॉर्मल पर्सन में ग्रेटर दैन या इक्वल टू 80% नॉर्मल होता है, -80%। इसी तरह से हम इसको मेजर करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेज में डाल्टन लॉ आता है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्स प्रेशर दैट ईच गैस वुड एग्जर्ट इंडिपेंडेंटली। अब एक कंटेनर है, उसमें अलग अलग कंटेनर रखी है तीन, एक में ऑक्सीजन है, एक में नाइट्रोजन है और एक में कार्बन है हमारे पास। क्या सब तीनों को प्लस कर देंगे जो फिर हमारे पास जो तीनों को प्लस करके अब हम उसमें जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे ईच गैस, जो हर गैस एक्सर्ट कर रही है अपने अपने हिस्से का प्रेशर। तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए डाल्टन लॉ को यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और नाइट्रोजन होगी, इन तीनों की क्या क्या रोल है हम तीनों को प्लस कर देंगे। फ्रिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन दूसरी लॉ है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज की, द रेट ऑफ द गैस ट्रांसफर गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टिश्यू एरिया, जितना एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास गैस ट्रांसफ़र करेगी। और कॉफिशेंट ऑफ द गैस पे एंड द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस अंदर इंक्रीज करेगी। टू साइड ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस टू साइड ऑफ द टिश्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, जितनी ज़्यादा हमारे पास थिकनेस होगी, मोटी होगी, ब्रोंकी होगी, मेम्ब्रेन्स उतनी ही कम होगी कि उतना एरिया कम हो जाएगा हमारे पास। सो वी गैस इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय थिकनेस मल्टीप्लाई बाय डी, डी डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर मल्टीप्लाई पी वन माइनस पी टू, डी इज कोफिशिएंट बेसिकली। सो टू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, वी इज द रेट ऑफ टिश्यू एरिया, ए इज द एरिया टिश्यू एरिया, टिश्यू एरिया फिर ट्रैक्टर को क्वेश्चन करती है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा, लेकिन टिश्यू थिकनेस अब मोटा है तो कम एयर फ्लो करेगा क्योंकि जगह कम होगी। डी फिर डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ गैस पी वन माइनस पी टू, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लड फ्लो टू द लंग्स कितना है, पल्मोनरी सर्किट है सेम रेट ऑफ द फ्लो एज सिस्टमैटिक सर्किट लोअर प्रेशर। पल्मोनरी सर्किट में वैसे ही रेट ऑफ फ्लो होता है जैसे सिस्टमैटिक सर्किट यानी हार्ट में होता है, वैसे ही लोअर प्रेशर होता है इसमें, लंग में लो प्रेशर होता है ब्लड फ्लो करने का। वन स्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो एंड द बेस ऑफ द लंग रहता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बेस ऑफ द लंग भी जाएगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज मोर ब्लड फ्लो टू द एक्सरसाइज करें तो एफेक्ट्स पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा। इसी तरह पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ये बनी हुई है किस तरह से लंग को जाता है, पल्मोनरी थ्रू वाया पल्मोनरी वेंस पल्मोनरी आर्टरीज, सो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहते हैं हार्ट से नीचे वाले सारे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन जो कि वेना कावा और एओर्टा कहती है। सो रीजनल ब्लड फ्लो विद द लंग कैसे होता है, ये बॉटम है हमारा और रिब नंबर है 5 4 3 2 टॉप रिब नंबर एंड देन बॉटम। ब्लड फ्लो हमारा कैसे करता है, टॉप से शुरू होता है और बॉटम की तरफ ज़्यादा होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल, ये हमारे पास ऊपर की तरफ ज़्यादा कर्व जो हो रहा है वो ग्रेविटेशन की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो नीचे वाले हिस्सों में ज़्यादा होता है।
इसलिए जब हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो हमारे पाँव जो होते हैं सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए अपेरेंट्स आर डिसेप्टिव। So this is our lecture today. Thank you so much. Meet you soon next inshallah. Jazakallahu khair. Allah peace.